यार फाइनली हम लोगों ने भी एक चेयर मंगवा लिया ताकि बैठ के आराम से काम कर सके। अभी आज हम लोग उसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये चेयर कितना स्मूथ है, बाकी बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो आज यार इसको असेंबल कैसे करते हैं और प्लस इसको ओपन करने के बाद क्या क्या इसमें मिलता है, कौन कौन से पार्ट हैं और कितने का ये पड़ा मुझे, मैं सब कुछ हम लोग इस सब वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, बहुत ही आसान होगा। लेकिन यार खोलते खोलते ना मैं तो थक ही गया था क्योंकि इसमें इतने सारे पार्ट्स, लगभग आधा घंटा लग गया था, 30 मिनट लगभग ये हम लोगों को ये पूरा बनाते बनाते ये पूरा वीडियो इतना लंबा नहीं है, आप तो देख ही सकते हो। बट अभी थोड़ा शॉर्ट में इसको दिखाएंगे क्योंकि कई इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स, इस सारे पार्ट्स को असेंबल कैसे करना है और ये कंफर्टेबल कितना है। वैसे मैं अगर बात बताऊं तो ये सच में बहुत कंफर्ट है क्योंकि अभी मैं देखो भी बैठ के उसी पे वीडियो बना रहा हूं। गाइस इससे पहले मैं जो नॉर्मल कुर्सी चेयर यूज़ करता था ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बैक पेन की समस्या प्लस जो मतलब जो बैकबोन हमारा वो सीधा नहीं होता था, हमेशा टेढ़ा रहता था, मतलब हड्डी समझ रहे हो आप, ठीक है। तो वो टेढ़ा रहने का मतलब कि यार टेढ़ा होता था, दर्द करता था ज़रा। तो अभी मतलब जैसे आपको 5 से 6 घंटे बैठ के काम करते हो तो इस पर बैठ के आप कर सकते हो, ओके, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलो तो ये देखो बहुत सारे इसमें से सामान निकल रहे हैं, धीरे निकलना शुरू हो गए और मैं ये सामान आपको दिखाता हूँ। और ये पटाख ये मैंने बनाया, ठीक है। तो बहुत ही आसान होगा, आप सिंपल थोड़ा सा इसको फटाफट सभी सामान निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है आपको। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे असेंबल तो कर दिया, सॉरी फाइनली हमने सारा सामान तो निकाल दिया, बस अब हमारा काम ये है कि हम लोग सब फटाफट इसको असेंबल करें। तो अभी ये निकालते वक्त क्या हुआ ना, ये जो आप देख रहे हो ये इसका जो पैर का एक है ये टूट गया था, मतलब निकल गया था, उसे टूट के उसी में रह गया। तो हम लोगों ने इसको बकायदे निकाला, फिर निकाल के उसको फिर से लगाया तो ये लग गया अभी, ठीक है। अब इसको असेंबल करते हैं प्रॉपर, बट यार मैं असेंबल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चूंकि मैंने इसका मुझे मैनुअल देखना पड़ेगा, बहुत धीमा धीमा करूंगा। बट मेरे भाई को पता है, अच्छा बेटर पता है उसको, वो कर लेगा अच्छे से। तो अभी फिलहाल मैं असेंबल उसी करने देते हैं, ओके। भाई सबसे पहले तो यार हम लोग यहाँ पे ये जो चेयर है ना, पहले इसको सेट करेंगे और इसके पीछे कुछ चेयर कुछ पेंच लगाना पड़ेगा, जैसे भी इसको यहाँ पे असेंबल करना पड़ेगा। तो ये जो पीछे पहले लगेगा उसके बाद ही सारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सेट करेंगे और देन इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ पेंच यहाँ इसने दे रखा है तो ये पेंच हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। बट यार एक चीज हम लोग भूल रहे थे, उसमें एक वाशर लगा हुआ है, ठीक है, छोटा सा जो गोल सा काला काला है उसको भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप भूलना नहीं, अभी मैं हम लोगों को ये फिर से खोल के फिर से लगाना पड़ेगा। एक्चुअली बाई मिस्टेक हम लोगों से गलती हो गया तो जिसके रीजन से ये हम लोग लगा नहीं पाए, तो इसको लगाना जरूरी क्योंकि उससे लगाने से क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा और टाइट हो जाता है और प्लस ये मजबूत हो जाता है, बेटर होता है, ठीक है, इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा। तो अभी अभी यहाँ पर चाव लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम हुआ, अभी हम लोग इसको फिर से खोल लें, खोल के फिर से इसको लगाएंगे वाशर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप कि आपको वाशर फिर से लगा देना है, ओके गाइस। तो यार अभी फटाफट हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा मैं यहाँ पे और ताकि इसको जल्दी से तेजी से पहले ये कंप्लीट हो जाए। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे कर दिया है, बट अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाशर निकाल के इसको फिर से वाशर लगाना पड़ेगा, तो फिर से इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, एक ही काम को 3 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट पहले यार इसको ऊपर टाइट कर लो, टाइट करने के बाद ये कंप्लीट जहाँ पे भी वाशर लगाना है पूरा चारों को एक साथ टाइट मत करेगा, पहले एक ही करके सबको, पहले थोड़ा सा एक एक साइड से थोड़ा थोड़ा करके तब टाइट करेगा, एक ही साथ टाइट कर देंगे तो टेढ़ा हो जाता है, टूटने का डर होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। चलो ये हो गया कंप्लीट, अभी फिलहाल में तो ये तो रेडी हो गया। अब हमारा काम होता है कि हमें इस पर बैठना, तो बैठाना है इसको, ठीक है, सेट करना। तो हमें फिलहाल में क्या करना होगा कि इस तरह से इसको असेंबल करने के बाद और ये यहाँ पे ऐसे सेट होगा, ओके, जस्ट मिनट। और यहाँ पे एक छोटा सा ये जो आप होल देख रहे हो उसके पीछे जस्ट है, यहाँ पे ये होल लगेगा, ठीक है, ये जो देख रहे हो 3 होल इसी के पास ये लगने वाला है, ठीक है। वाशर होगा, वाशर के ऊपर से इसको लगाना है, ठीक है, ये वाशर है और ये पेच हो गया। और आप इसी को अभी एक मिनट जस्ट गाइस, ओके, यहाँ पे रखा और इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे लगा के इसी तरह करके कुछ इसमें 6 होंगे, 3 इधर 3 उस साइड, तो तीनों का आपको इस तरह से असेंबल कर देना है, ठीक है, आपको सेट कर देना है ऐसे जैसे सेट होता है। और इसके बाद फटाफट इसको भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ यहाँ पे भी। तो फाइनली ये तो हो गया देखो कम्प्लीटली, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइट कर लिया इसको और लगभग कम्प्लीट ही हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को कट ही कर देता हूँ सीधे। चलो अब यहाँ पे गाइस सेट करना है इसको, तो फटाफट पहले इसको ये जो चारों हैं इसको इस तरह से इस पर सेट रख के सेट कर लेंगे और नेक्स्ट हमारा काम है इसको सेट करना।
और देन अब इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक्चुअली ये टूट भी गया था थोड़ा सा मेरे भाई से, और इसने ये खोल रहा था, बंद कर रहा था, बट बाई मिस्टेक ये थोड़ा सा टूट गया। तो ठीक है, आप संभाल के करोगे तो ऐसा ही लगता है, तो इसलिए अगर आप संभाल के करोगे, सही से इसको रखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे नहीं टूटेगा। ठीक है, मतलब इसे टूटने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको लगाना है, मतलब इसको आगे डालना है पीछे डालना है, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। तो देन इस वजह से ये देखिए भाई टूट गया ये, और ओके गाइस ये टूट गया। टूटने के बाद फिर समस्या हो गई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमने क्या करना है कि हम लोग इसको आराम से डाल देंगे। पहले ये जो ऊपर वाला, इसमें देखिए गलती क्या हुई थी कि ये ऊपर जो रेड वाला कैप है, कैप निकाल के लगाना था, बट हम लोगों ने कैप नहीं निकाला, हम लोग कैप के साथ ही डाल देते, तो ये गलती है। ठीक है, तो ये कैप निकाल के तब काम करना था, और हम लोगों ने कैप के साथ ही काम कर लिया था, तो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी चेयर बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसी इसके ऊपर इसको सेट करके रख देना है, बहुत आसान होगा। बस हम लोगों को क्या करना है, कैप निकाल देना होगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कैप निकालने के बाद ही ये अंदर जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे सटीक से हो जाएगा और कम्प्लीटली इस तरह से रखेंगे इसको, और ये वाओ। तो ओके, बड़ा आसान था ये चेयर, बिल्कुल लाने बिल्कुल ही आसान, आसान बिल्कुल भी नहीं था ये चेयर लगाना और ये रखना, इसको असेंबल करना एक भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको आज प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को हम लोगों को इसके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि यार इतने बड़े काम को आप देख सकते हो कि मैं कितना कूलिंग से बैठ के इस पर मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त था। ओके, वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है ये। ओके, सो यार फिलहाल में अभी हम लोग इसका क्लोजिंग ले रहे हैं, और ये रिव्यू देख रहे हैं किस तरह से ये घूम रहा है, मतलब बल्कि सच में बहुत ही स्मूथ था ये। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्रधानमंत्री से अगर ये मिल सके मुझे तो यार वो दिलाना आप लोग। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।